टेक महिंद्रा, ये है सत्य प्रकाश के पास। इन्होंने 800 शेयर खरीदे हैं, इनकी बाइंग प्राइस 690 रही है। कैसा दिख रहा है आपको टेक महिंद्रा? इनकी बाइंग प्राइस से तो नीचे है अभी। हाँ, थोड़ा एक अपू मिल सकता है, अपू का एडवांटेज देकर निकल जाना चाहिए क्योंकि आईटी क्षेत्र में थोड़ी वीकनेस नजर आती है, लेकिन काफी गिर चुका है तो बाउंस मिल सकता है, बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं। इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का तो निकल जाना चाहिए। शिवदास जाधव का सवाल है इंडिया बुल्स वेंचर पर, 6 शेयर ये होल्ड करते हैं इंडिया बुल्स वेंचर के, 310 पर इनकी खरीद रही है। 6 शेयर है, मुझे लगता है 400 की तरफ निकल जाना चाहिए। इंडिया बुल्स वेंचर पर 6 शेयर ये होल्ड करते हैं इंडिया बुल्स वेंचर के, 310 पर इनकी खरीद रही है। 6 शेयर है, मुझे लगता है 400 की तरफ निकल जाना चाहिए इनको, 390-400 का जोन मिलता है तो निकल जाए। ठीक है, तो 400 तक का इंतजार करें, 390-400 वो पॉइंट रहेगा जब एग्जिट कीजिए यहाँ से। HCC सुमित होल्ड करते हैं 2500 शेयर, 46.50 रुपए के भाव पर खरीदा है HCC को सुमित ने। क्या करना चाहिए अभी, क्योंकि इनके भाव से तो बहुत नीचे आ गया है, बहुत मोटा नुकसान सुमित उठा रहे हैं यहाँ पर। तो इस पे तो ट्रेंड वीक ही नजर आता है, स्ट्रेंथ है नहीं और इस पे निकल जाना चाहिए, होप करके फायदा नहीं है, 2-3 सालों से साइडवेज जोन पर है, निकल जाना चाहिए। बिल्कुल, एक नीचे की तरफ ही हमने इसमें देखा है, जो भी एक्शन है नीचे की तरफ आता रहा, और आप सुमित आई एम सॉरी आपको लॉस ही बुक करना पड़ेगा यहाँ पर। कैस्ट्रॉल अनिल सरना होल्ड करते हैं, 200 शेयर है इनके पास और पुरानी खरीद है कैस्ट्रॉल की, 2 साल पहले की खरीद है इनकी, 210 के भाव पर खरीदा है। अभी कैस्ट्रॉल में इनको नुकसान ही हो रहा है अनिल जी को, 2 साल से होल्ड करके बैठे हैं, लगातार गिरावट देख रहे हैं, हाई हमने करीब 250 के करीब भी देखा था रिसेंटली, है तो वीक स्ट्रक्चर, निकल जाना चाहिए। ठीक है, कमजोर स्ट्रक्चर निकल जाइए। इक्विटास होल्डिंग्स वडोदरा से मधुर शाह के पास है, इक्विटास होल्डिंग के इनके पास है कुल 780 शेयर, 139 रुपए की खरीद है, पिछले साल की खरीद है, इनके बाइंग प्राइस से तो नीचे ही आ गया है, 24.30 रुपए पर शेयर इक्विटास होल्डिंग में लॉस पर बैठे हुए हैं। प्रकाश जी, आपकी सलाह में क्या करना चाहिए अभी इक्विटास में, ये इनका एक महीने का चार्ट आपके सामने तो नीचे ही की तरफ अभी एक्शन दिख रहा है यहाँ तो। जहाँ इन्होंने लिया था वो जगह अच्छी थी लेने की, उसके बाद ब्रेकडाउन हुआ, इनको एक स्टॉप लगाना चाहिए था, वो नहीं लगाया उन्होंने, अब वीकनेस है, निकल जाना चाहिए। रेमंड में क्या करें, हरित 10 शेयर होल्ड करते हैं रेमंड के, और इनकी बाइंग प्राइस जो है 1019 पर रही है। रेमंड में अभी लॉस बहुत ज्यादा उठा रहे हैं, काफी ऊंची खरीद रही है इनकी, मतलब अभी देखिए 1019 पे खरीदा है 700 के लेवल्स पर रेमंड। इनफैक्ट आज एक फ्रेश सेल जनरेट हुआ है रेमंड में, और भी वीकनेस आ सकती है तो वीक स्ट्रक्चर, रेसिस्टेंस 900 के करीब है, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है कि 900 पार करना बहुत डिफिकल्ट है नियर टर्म में, तो इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का तो निकल जाना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म का नजरिया तो निकल जाएगा क्योंकि चार्ट देखिए क्या इशारा कर रहे हैं, लगातार एक डाउनवर्ड मूवमेंट में रेमंड फंसा हुआ है अभी फिलहाल। गैलेंट इस्पात विश्वरूप साहा होल्ड करते हैं, गैलेंट इस्पात के इनके पास है 500 शेयर, पिछले साल इन्होंने खरीदा है 40.25 रुपए के भाव पर, क्या करें 7.25 रुपए पर शेयर लॉस अभी गैलेंट इस्पात में विश्वरूप को हो रहा है, और ये रहा इसका चार्ट देखिए, यहाँ तो डिप ही हमें नजर आ रहा है। प्रकाश जी, आप इसे कैसे रीड करेंगे, सपोर्ट है क्या कहीं? नहीं, सपोर्ट तो नहीं है, सपोर्ट है करीब कह सकते हैं शायद अराउंड हो सकता है 30 में, लेकिन लगता है वहाँ पर वीकनेस है, स्ट्रेंथ नहीं है, वो शायद सपोर्ट ही ब्रेक हो जाए, क्योंकि इस चार्ट स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, तो इसलिए सपोर्ट ब्रेक होने की संभावना है, निकल जाना चाहिए, 7 रुपए का ही नुकसान है, एग्जिट। नेक्टर लाइफ साइंसेस अखिल नागपाल के पास है कुल 1000 शेयर, 19.25 रुपए की खरीद है, 2 महीने पहले इन्होंने नेक्टर लाइफ साइंसेस को खरीदा है, इनकी बाइंग प्राइस से नीचे है, लॉस पर बैठे हुए नेक्टर लाइफ साइंसेस में, क्या करने की सलाह आप देंगे? यहाँ पर भी जगह खरीदने की सही थी, लेकिन वो टर्न अराउंड हो गया, स्टॉप नहीं था इसलिए नुकसान हो रहा है, इसलिए स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है, अब भी वीकनेस है, निकल जाना चाहिए। सलाइट टेक होल्ड करते हैं प्रदीप, इन्होंने 195 पर खरीदा है, 40 शेयर हैं सलाइट टेक के, ज्यादा गिरावट नजर नहीं आती, लेकिन है तो वीक स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, अगर आपको मिलता है तो 170 में रेसिस्टेंस है, वहां पर निकल जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली होप इस स्टॉक में होना नहीं चाहिए, है तो स्ट्रक्चर वीक। कॉक्सन किंग रियाज के पास है 1250 शेयर,
और रियाज ने कॉक्स एंड किंग को खरीदा है 51 के लेवल्स पे प्रकाश जी, ऑलमोस्ट जो है हाफ हो चुका है इनका, हाफ पैसा तो वाइप आउट हो ही चुका है कॉक्स एंड किंग में, हाफ हो गया है और अब ट्रेड कर रहा है न्यू लोस पर। हम मानते हैं कि जब भी न्यू तो होता है तो मतलब वीकनेस है, कहां तक रुकेगा नीचे कहना मुश्किल है। आधा मिल रहा है अब वो भी ले लीजिए, नहीं तो और कम हो जाएगा, कितना गिर सकता है कोई बोल नहीं सकता, है तो वीक स्ट्रक्चर। कॉक्स एंड किंग वीक है, निकल जाइए, नुकसान को भुगत लीजिए। और स्टॉक फटाफट को यहीं रैप करेंगे, एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अलग अलग शहरों से हमारे दर्शक खुद जुड़कर पूछेंगे अपने शहरों पर सवाल। हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा टोल फ्री नंबर आपकी मदद के लिए हम फ्लैश करते रहते हैं, तो उठाइए फोन, जुड़िए हमारे साथ और समझिए कि आपके शहरों पर क्या रणनीति होनी चाहिए।